बाय द वे कोई आपसे मांगेगा कि भैया आप इतना सोना पहने हो, एक दे दोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ जरा फोन हमको हाथ में पकड़वा सकते हैं, देखिए सोने का है। गोल्ड काफी ज्यादा महंगा हो गया है, क्या कभी सोचते हैं कि ये सब बेचेंगे? बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो मैंने सुना कि पुणे में गोल्ड मैन है, महाराष्ट्र में गोल्ड मैन है, बिहार को भी गोल्ड मैन होना चाहिए। हाँ। इसलिए गोल्ड मैन सोना पहने और आज बिहार के गोल्ड मैन है। नाम क्या है आपका? प्रेम सिंह नाम हुआ मेरा। प्रेम सिंह। प्रेम सिंह नाम हुआ। गोल्ड पहनने से इतना सोना लटका के चलते हैं जिससे आप फेमस हो गए, लोग आपके साथ सेल्फी भी लेना पसंद करते हैं, क्या कारण है? सोना ही है या फिर कुछ और भी कारण है? हर चीज है, सोना भी है, गोल्ड मैन है बिहार के। दबंग भी है? नहीं नहीं दबंग नहीं है, बाहुबली नहीं है। बिहार का लोग प्यार देते हैं, सेल्फी लेते हैं और दबंग नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा। सोना, जरा हम सोना देख लेते हैं क्योंकि गोल्ड मैन नाम ही है, तो गोल्ड ही से हम शुरुआत भी करेंगे। पूरा गले में मोटा मोटा जो चेन है सोना पहने हुए है। सोना काफी ज्यादा महंगा हो गया, सिक्योरिटी लेकर के चलना पड़ेगा आपको। डर लगता है कभी? नहीं, कभी डर नहीं लगता है। नहीं लगता है? नहीं, क्यों नहीं लगता है? बिहार में ऐसे ही छीना झपटी होते रहता है सड़क पे। नहीं, नीतीश जी का सरकार है इसलिए डर नहीं लगता है। अच्छा, नीतीश जी के सरकार में ही तो छीना झपटी होती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं होती है? वो तो राम युग में भी होता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन ऐसे नीतीश जी का सरकार है इसलिए डर नहीं लगता। मतलब आप नीतीश जी के सरकार से संतुष्ट हैं, बहुत रिलैक्स रहते हैं कि भाई मेरे साथ कुछ नहीं होगा भाई, और वैसे भी आप थोड़ा सिक्योरिटी के साथ ही चलते हैं, ऐसे तो आप सड़क पे घूम नहीं सकते हैं। नहीं, सिक्योरिटी के साथ नहीं, भाई लोग रहता है, भाई है, मित्र है, लोग घर के लोग है, और कोई ऐसा सिक्योरिटी नहीं है। देखिए लोग देख करके सोना मैन और गोल्ड मैन बोलते हैं आपको, कब से शौक चढ़ा सोना पहनने का? क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा शौक होता है, आपको कब चढ़ा कि अचानक ये हुआ कि चलो गोल्ड पहनते हैं? नहीं नहीं सालों साल से तो गोल्ड पहनते हैं, लेकिन मैंने सुना कि पुणे में गोल्ड मैन है, महाराष्ट्र में गोल्ड मैन है, बिहार को भी गोल्ड मैन होना चाहिए। हाँ। इसलिए गोल्ड मैन सोना पहने और आज बिहार के गोल्ड मैन है। अच्छा, जिसके कारण मतलब आप हर जगह गोल्ड मैन को देख करके आपके मन में ख्वाहिश जगा? ऐसे थोड़ा मोड़ा, थोड़ा मोड़ा, हाँ थोड़ा मोड़ा जगह। बचपन से कभी ऐसा नहीं था कि सोना पहने? हम बिहार का गोल्ड मैन हमको बनना था, इसलिए सोना पहने और आज बिहार के गोल्ड मैन है। गोल्ड काफी ज्यादा महंगा हो गया है, क्या कभी सोचते हैं कि ये सब बेचेंगे? बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा तो? अरे ऐसा नहीं है, धीरे धीरे खरीद आया है, एक दिन में थोड़े, धीरे धीरे बहुत सालों से खरीद आ रहा है और आज ज्यादा हो गया है, इसलिए गोल्ड मैन है। गोल्ड मैन है क्योंकि जनरली लोग इतना पहन करके तो बिल्कुल नहीं चलते हैं, सड़क पे लोग मुड़ मुड़ के इन्हें देखते हैं। सोना क्या मतलब जमीन बेच करके खरीदे हैं, कोई अपना बड़ा प्लॉट बेच करके खरीदे हैं, कहाँ से इतना सोना पहने हैं आप? धीरे धीरे ठिकदारी करते हैं, खेती करते हैं, उसी से जो बचता है धीरे धीरे गोल्ड खरीदते हैं, और एक दिन का नहीं है। लगभग कितना का होगा ये सारा सोना जो आप पहने? करोड़ों का है, करोड़ों करोड़ का है, लमसम 2 करोड़। हाँ हाँ, मतलब आप कमा के धीरे 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 धीरे? जी जी, हाँ हाँ, और खरीदना है? हाँ, ईमानदारी से कमा। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई सोने के गाड़ी पे आप चले अब? हाँ, धीरे धीरे जैसा कमाई होगा होगा, जूता होगा सोने का, शर्ट होगा सोने का, सब कुछ होगा सोने का, धीरे धीरे आप बिल्कुल सोना सोना दिखेंगे। हाँ। चश्मा क्या है? हाँ, चश्मा तो दे दिए है बनने के लिए गोल्ड। हाँ, हाँ वो भी सोने का ही होगा। मतलब कि प्रेम सिंह का जल्दी आप चश्मा भी गोल्ड का देखेंगे। देखिए फोन तो है, जरा फोन हमको हाथ में पकड़वा सकते हैं, देखिए सोने का है। और ये जो भी आप देख रहे हैं सोने का। अच्छा, बाय द वे कोई आपसे मांगेगा कि भैया आप इतना सोना पहने हो, एक दे दोगे तो क्या हो जाएगा? भाई कुआं में से पानी थोड़ा निकाल ले तो क्या करेंगे? अरे ये तो मजाक हुआ ना। हाँ। ये तो मजाक हुआ, कोई ऐसे थोड़े मांगता है। मतलब कोई बाय द वे आपके साथ यहाँ पर आपके मित्र हैं, वही मांग लिए? हाँ, कभी खुशी में, बर्थडे में तो? हाँ, मित्र है, मांगेंगे तो दे देंगे, भाई है, दोस्त है। कल के जो युवा होते हैं, देखिए लड़कियां जरा देखिए उनको कितना
ये देखिए जरा दिखाइए कैमरा में दिखा दीजिए कि देखिए यहाँ पे रुक रुक के लोग देखते हैं, महिला है वो भी रुक रुक के देख रही है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं आसपास में सब लोग गोल्ड मैन को घूर घूर के देखते हैं। शायद हम इंटरव्यू नहीं लेते तो हम भी इन्हें जरूर इनसे बात करने की कोशिश करते। आजकल युवाओं को गोल्ड पहनने का काफी शौक है जिसके कारण गलत काम करते हैं, दूसरा का छीनते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो गलत है, दूसरे के छीनना ये तो गलत है, ये तो अपराध हुआ, अपराध ये तो गलत है, उसका अपराध का दंड मिलना चाहिए, मिलना जो गल हाँ एकदम मतलब मिलना जो चाहिए। करो खुद के मेहनत से करो, अपने मेहनत से ईमानदारी से करो, आगे बढ़ो, नाम रोशन करो, नाम रोशन करो, अपने आप मैंने ईमानदारी से करो, किसी का चोरी करके बड़ा बनना ये तो कहीं से सही नहीं है ना। गर्मी का दिन आ रहा है, लास्ट में सवाल, गर्मी का दिन आ रहा है, इतना चेन पहन के आप चलते हैं, इचिंग होना या गर्मी लगना ऐसा नहीं होता है कि उतार के फेंक दूं? ऐसे थोड़ा सा तो लगता है, लेकिन गोल्ड मैन है तो पहनना तो पड़ेगा, शौक हैबिट भी हो गया। हाँ हैबिट भी हो गया, शौक है तो पहनना तो है। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, आर्यन न्यूज से बात करने के लिए।